महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। अब राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने 11 महीने पुरानी एकनाथ शिंदे सरकार को असंवैधानिक बता दिया है और दावा किया है कि यह 3 महीने में गिर जाएगी। राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में महत्वपूर्ण बात कही और राजनीतिक संकट के दौरान तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी और विधानसभा अध्यक्ष के आचरण में खामी पाई। एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार को लेकर संजय राउत ने तंज भरे लहजे में कहा है कि 3 महीने में शिंदे बीजेपी सरकार गिर जाएगी। राउत ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह गैरकानूनी और असंवैधानिक है। राउत ने कहा, सदन में बहुमत साबित करने सहित तत्कालीन राज्यपाल द्वारा लिए गए सभी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। शिवसेना से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे को समूह का नेता घोषित करने को भी न्यायालय ने गैर कानूनी बताया है। न्यायालय ने कहा है कि शिवसेना का कोई धड़ खुद के पुरानी पार्टी होने का दावा नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि सांसद और उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी संजय राउत महाराष्ट्र के नासिक में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।